₹80 की थाली खाने वाले भी वही आने वाले जिन्होंने 2000 की थाली खाई थी, और वही ₹80 की थाली खाने वाले बाहर निकलोगे। आप जरा सुनना ध्यान से, क्या बोलेंगे? कंजूसनी काकड़ी। एक छेला लगन था तो एने एम ना था कि जरा 200, 300, 500, 1000 ની થાળી ખવડાવું, 80 રૂપિયા નું ખવડાવાય? ये समाज है दुहेरी डबल ढोल की। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं क्या? ड्यूअल कैरेक्टर। और ये समाज इतना नीचे उतर गया है, वो आपको नहीं हमको भी नहीं छोड़ता है। यदि मैं प्रवचन दू, सामने कोई शास्त्र ना रखूं और दे धनाधन बोलता रहूं, बाहर निकल गए, कोई बावसी कोई शास्त्र में भारता है नहीं, जीव आवे मन में बोले, और मेरी सीआईडी मुझे आके बोल दे कि महाराज साहब आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है मैं मंगवा लूंगा शास्त्र, और दूसरे दिन ऐसा वो रख करके, हाँ दम्मो मंगल मुकेठम, और इस तरह से पूरा घंटा प्रवचन करूं, एक मीठी नींद ले लेगा और बाहर जाके बोलेगा बावसी ने कोई आवतू नहीं जगो भारी भारी ने प्रवचन दिया। बहुत कुछ सिखाया तुम लोगों ने हमें, बहुत छोटी सी उम्र में हमने दीक्षा ले ली, संसार का कोई ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन गुरु भगवंतों ने बताया कि यह समाज है दुहेरी है, आज ताली भी बजाएगा कल गाली भी देने वाला है, समझ के चलना। इनकी तालियों सुनकर के कभी सीना चौड़ा मत करना, और इनकी गालियां सुनकर सिर नीचा नहीं करना। तुम्हारे संयम को वफादार रहो, गुरु की कृपा प्राप्त करते रहो, आगे बढ़ते रहो, समाज का ज्यादा सोचोगे तुम्हारा विकास नहीं होगा। मैं मेरी बात नहीं आपकी बात करना चाहता हूँ। एक और परमात्मा का प्रभाव मानने वाले हर जगह पे अपने पुरुषार्थ को आगे कर रहे हो, आई बात? पुरुषार्थ नंबर बीमा छे, पुण्य नंबर बीमा छे, पैसो नंबर बीमा छे, प्रभाव नंबर एक। प्रभु ते मने जे आप्यू छे एनो बदलो सेवा, तारे द्वारे आवी ने कोई खाली हाथे। टपाली क्यारे खोटा एड्रेस ऊपर एड्रेस साचू लख्यू होय ने, छताय क्यारे टपाल खोटा एड्रेस पर आपी जाए एवं बनी शके, बने के नथी बनतु? बाजूवाळा ने टपाल तारे ते आवीश, अच्छा એટલે તું બાજુવાળા ને દાઉદની પત્રિકા મોકલ, બાજુવાળાની પત્રિકા ક્યારેક તમારા ઘરમાં આવી શકે છે, પણ ભગવાન પાસે ગયા પછી તમારી પ્રાર્થના પૂરી થયા વગર પ્રોબ્લેમ યે હૈ। એક લાસ્ટ પદાર્થ તુમ્હારે સામને રખ કરકે મેં પ્રવચન પૂરા કરૂંગા, આપ પ્રભાવ મેં માનતે તો હો બરાબર, भगवान के प्रभाव में मानते हो, लेकिन आपको प्रभाव भी इंस्टेंट चाहिए, सही बात? मारा साहब मैं बाहर दियो तो छरी पड़ दो संग इतना उत्साह करो, एकासा साथे करो, पगे चाली ने करो, पग में कोई चप्पल बूट मोजा पर ना पहरिया। हमारे अमित जी घर से निकले तब से उन्होंने नक्की किया है पांव में चप्पल भी नहीं पहनूंगा और पूरा संग चल करके करूंगा। संग पति छे, धारे तो गाड़ी में बेसी पड़ सके, और विशेषता ये जुओ આખો સંઘ ટેન્ટમાંથી રવાનો થઈ જાય, બધાને રવાના કર્યા પછી આ ભાગશાળી પોતે બહાર નીકળે છે, કોઈ રહી તો નથી ગયું ને, કઈ રહી તો નથી ગયું ને, સંઘપતિનો દીકરો વ્યવસ્થાપક પણ હોય અને યાત્રાળુ પણ હોય, આવું બહુ વિરલ જગ્યાએ જોવા મળે છે, લાખલા ધન્યવાદ છે આ અમિત કુમાર છે, ઘણા છે એના ભાઈઓ પણ ચાલી ને જ કરે છે, આટલી મોટી જવાબદારી ની સાથે ચલાવવું એટલે અઘરું છે, પ્રભાવ ઇન્સ્ટન્ટ જોઈએ બરાબર છે, ઇન્સ્ટન્ટ યાને આ રૂપિયા મેં ભંડારમાં નાખ્યા 10 ની નોટ અને ખિસ્સામાંથી 100 ની નોટ બહાર નીકળી, મેં એક જણને પૂછ્યું સામાયિક કરે છે ના, મેં કીધું માની લે કે તું સામાયિક કરે ને પારે, પછી આમ કટાશું ઊંચું કરે એટલે નીચેથી 2000 ની નોટ ગાંધી છાપ બહાર આવે તો તું કેટલા સામાયિક કરે, મને કે આખો દિવસ સામાયિકમાં જ રહું, ઇન્સ્ટન્ટ। હવે હું તમને એમ પૂછું છું, ખેતરમાં બીજ નાખ્યા પછી તરત ધાન્ય બહાર આવે છે,
બેંકમાં એફડીમાં પૈસા મૂક્યા પછી તરત જ પાછા મળી જાય ખરા? દુનિયામાં દરેક ક્ષેત્રમાં તમે રાહ જોવા તૈયાર છો, ધર્મના ક્ષેત્રમાં તમને ભગવાનનો પ્રભાવ ઇન્સ્ટન્ટ છે. પોસિબલ છે? પોસિબલ છે? और मान लो कि यदि मेरा चले तो मैं आपको इंस्टेंट पुण्य का प्रभाव दे दूं, लेकिन उसके सामने मेरी ये कंडीशन है कि पाप का प्रभाव भी इंस्टेंट मिलेगा. यानी आप झूठ बोले, जबान कट जाएगी. आपने चोरी की, आपका हाथ कट जाएगा. ना महाराज साहब, ये वो इंस्टेंट नहीं चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का पुण्य का प्रभाव इंस्टेंट चाहिए, मुझे पाप का प्रभाव नहीं चाहिए. इसीलिए शास्त्रवार्ता समुच्चय में हरिभद्र सूरी महाराज ने लिखा, धर्मस्य फलम इच्छन्ति धर्मम नेच्छन्ति मानवा, फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति साधु.